इंडिया नंबर वन पे आ गई है वनडे रैंकिंग्स में, क्योंकि इंडिया को ये जीत चाहिए थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इंडिया और पाकिस्तान के पॉइंट सेम थे, पाकिस्तान के भी पद 115 थे, इंडिया के भी इतने थे। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के इंडिया वाइट टीम बन चुकी है, जो तीनों फॉर्मेट में नंबर वन के ऊपर है। पाकिस्तान का घंटा भी बजा दिया इंडिया ने आज। यही नहीं, अभी और सुनिए, शुभमन गिल वॉज द ट्रीट टू वॉच टुनाइट, व्हाट अ बैटर ही इज सवेरा, व्हाट अ बैटर ही इज, क्या बैटिंग की है ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल ने। शुभमन गिल भाईजान सिर्फ 100 रन चाहिए शुभमन गिल को इस सीरीज में, और वो बाबर आजम घंटे से नंबर वन पोजीशन भी ले लेगा। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। ऋतुराज गायकवाड़ पहली 50 10 चौके, व्हाट अ इनिंग यार, जो बंदा एमएस धोनी के हाथों से निकला वो इंटरनेशनल स्टेज पे अगेंस्ट कमिंस और फुल स्ट्रेंथ अवेलेबल ऑस्ट्रेलिया के आगे, जेम्पा के एक्सपीरियंस के आगे कमाल की इनिंग खेली। शामी ने फाइफर लिया है और सारी टॉप की विकेटें हैं भाई उसकी। उसके बाद शुभमन गिल क्या बारी खेली है, 117 के स्ट्राइक रेट से अमेजिंग न्यू नंबर वन अनाउंस कर दिया है, और नॉट लाइक बाबर आजम नेपाल के अगेंस्ट या इधर उधर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस, और इंडिया के बच्चों ने ही मैच ले दिया था। इतनी खुशी लास्ट से राज ने आउट किए थे 6, इसके बाद शामी ने 5 आउट कर दिए हैं, तो नजर तो यही आ रहा है कि इंडिया प्रॉपर डोमिनेट कर रही है और आने वाली टीमों के लिए काफी खतरा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की, आज ऑस्ट्रेलिया की तो नींदें हराम कर दी उन्होंने, तो बाकी टीमों के अलार्मिंग सिचुएशन है। इंडिया बी टीम ने विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा, विदाउट मोहम्मद सिराज, विदाउट कुलदीप यादव, विदाउट हार्दिक पांड्या, इंडिया की बी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम को ठोक दिया। आइए देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ टीवी में। दोस्तों भारत की क्रिकेट टीम वर्ल्ड की नंबर वन आईसीसी रैंकिंग में नंबर वन हो गई है, और इससे पहले पाकिस्तान की टीम नंबर वन थी, उसकी रेटिंग 115 थी, और अब भारत की 116 हो गई है। और भारत की टीम पहले ही टेस्ट मैच में और T20 में भी नंबर वन फॉर्मेट में थी, और अभी जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है जिसके अंदर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, और अब उसके बाद से ही भारत की टीम है जो तीनों फॉर्मेट में यानी ODI में, टेस्ट में और T20 में, तीनों फॉर्मेट में ये वर्ल्ड की नंबर वन टीम हो गई है। दोस्तों इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की थी, 276 रन का टारगेट दिया था, और भारत ने उसके जवाब में 281 रन का स्कोर किया और ये मैच अपने नाम किया है। दोस्तों भारत की टीम जैसे ही नंबर वन हुई है तीनों फॉर्मेट में, तब से ही पाकिस्तान में मातम छा गया है, तो देखते हैं पाकिस्तान मीडियम क्या रिएक्शन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया रुकने का नाम नहीं ले रहा, इंडिया ने पहले एशिया कप जीता और आज इंडिया बी टीम ने विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा, विदाउट मोहम्मद सिराज, विदाउट कुलदीप यादव, विदाउट हार्दिक पांड्या, इंडिया की बी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम को ठोक दिया। ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया इंडिया ने, इंडिया की बी टीम ने ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया। अंकिल वॉज द ट्रीट टू वॉच टुनाइट, व्हाट अ बैटर ही इज सवेरा, व्हाट अ बैटर ही इज, और साथ ऋतु के साथ मिलके ना ऋतुराज और शुभमन गिल ने ना क्लासी बैटिंग की है सवेरा। पंचेस की रेंज थी, जो फेसेट थे ना मल्टीपल फेसेट्स थे उनकी बैटिंग के अंदर, पुल शॉट्स भी थे, ड्राइव्स भी थी, बैकफुट पंचेस भी थे, स्ट्रेट ड्राइव्स भी थी, ऑन ड्राइव्स भी थी, ऑफ ड्राइव्स भी थी, कवर ड्राइव्स भी थी, कट शॉट्स भी थे, मतलब यार इट वाज अ कंप्लीट पैकेज। मतलब सवेरा आप सोचे, आपने नाम ले लिया लॉन्ग ड्राइव, आप समझे क्या, रोहित शर्मा को आप वापस लाए, आप पांड्या को इस मिक्स में वापस लाए, विराट कोहली को इस मिक्स में वापस लेकर आए, सिराज शमी बुमराह एक साथ खेले, कुलदीप को लेकर आए, साथ में जडेजा हो, और अगर अश्विन का जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो कामयाब हो जाते हैं, दिस टीम वुड बी अ टीम टू बीट इन दिस वर्ल्ड कप। सवेरा आज आपने इनके घर में देख लिया, घर में ये चढ़ के खेले, वार्नर का कैच ड्रॉप ना होता, लबुशेन का कैच रन आउट ना छूटता जो सिली मिस्टेक्स टीम इंडिया ने की है, ऑस्ट्रेलिया 230 भी ना बना पाता इस सरफेस के ऊपर, जो कि पहली इनिंग के अंदर तो बहुत ही कोई बैटिंग फ्रेंडली था, मतलब कमाल किया दोनों ने। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सरफेस स्लो था क्या, क्योंकि ड्यू का फैक्टर नहीं था, तो यहाँ सेकंड इनिंग्स वाले को कोई मदद हासिल नहीं थी। इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर नहीं हो सकता, सब कह रहे थे हार जाएगा हार जाएगा हार जाएगा, मुसीबत पड़ जाएगी मुसीबत पड़ जाएगी। उन्हें बोला अच्छा ठीक है यार, हम अपनी मेन टीम को खिलाते ही नहीं, हम जरा कोई फॉर्मूला लगाते हैं, हम एक नए कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। 5 बॉलरों के साथ आज इंडिया ने मुकाबला किया, 5 बॉलर, जिसमें शार्दुल ठाकुर बहुत एक्सपेंसिव किया, शार्दुल ठाकुर का लोड यहाँ बर्दाश्त करने को यानी उसके लोड को कट डाउन करने के लिए कोई 6 बॉलिंग ऑप्शन नहीं था। वेरेज अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखें, ऑस्ट्रेलिया बड़ी एक फॉर्मेडेबल टीम थी, ठीक है उनके पास मिस्टर स्टार्क नहीं था, मैक्सवेल नहीं था, लेकिन ऊपर से लेके आप 7वें 8वें नंबर तक बैटिंग देके 4-4 ऑलराउंडर खेल रहे हैं, 3-3 मेन बॉलर्स खेल रहे हैं, मतलब पैट कमिंस खेल रहे हैं, और क्या आपको चाहिए। शॉन एबिट भी कोई 130 की डिलीवरी से तो बॉलिंग करते नहीं, वो भी 140-145 केस के अंदर करते, मतलब इट वॉज अ कंप्लीट विन माइनस द फील्डिंग।
अच्छा आप रुक गए माइनस द फील्डिंग पे, आपने ऐसा पॉज लिया कि मैंने कहा अभी आगे कुछ बोलोगे। यस, फील्डिंग की बात करें, एक चीज जो कि बार बार हमें लैप्स दिख रहा है, एशिया कप से ये लैप्स आता हुआ दिख रहा है, टीम इंडिया की फील्डिंग। टीम इंडिया की फील्डिंग जो है वो बहुत दफा कहीं ना कहीं, जिस तरह आज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रन लीक हुए, जिस तरह पिछले मैचेस में आपने देखा एशिया कप में भी यही हुआ, फील्डिंग इज समथिंग दैट शुड बी वन कंसर्न फॉर टीम इंडिया। अदर देन दैट मेरा ख्याल से कंसर्न ये होगा दैट दे आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस नाउ। अरे भाई किसको खिलाएं, किसको बिठाएं, बेंच को उठाया, बेंच को खिलाया तो बेंच ने भी इतना जबरदस्त परफॉर्म कर दिया, बेंच के बाद रिजर्व्स को कहा चलो बेटा तुम भी करके दिखा दो तो उन्होंने भी करके दिखा दिया। किसको खिलाएंगे, किसको बिठाएंगे, ये जो बाहर जो लड़के बिठाए हैं उनको वापस जब गेम में लाएंगे तो वो कहां किस जगह पे आएंगे। तो मैं एग्जैक्टली वही तो कह रहा हूं ना कि अगर आप जो मिसिंग पजल्स को यहां आप करो, देखिए इस गेम में बहुत ज्यादा, आज के गेम में ना इंडिया को बहुत ज्यादा यहां पॉजिटिव्स मिले हैं। फील्डिंग एक बहुत बड़ा नेगेटिव है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फील्डिंग ओवरनाइट आप तब्दील नहीं कर सकते विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर नीड टू पुट अ कॉस्ट ऑन हिज विकेट, क्योंकि श्रेयस अय्यर या ईशान किशन के साथ उसका डायरेक्ट पेचा लगा हुआ है, क्योंकि श्रेयस अय्यर अगर फिट होते हैं तो टीम इंडिया की प्रायोरिटी या श्रेयस अय्यर को खिलाने की है। जिस तरह की फॉर्म या इंडिविजुअल पकड़े सवेरा, आप सिर्फ बॉलिंग यूनिट में देख लेना, आप मोहम्मद शमी को यहाँ रोटेशन पे खिला रहे हैं। अब मोहम्मद शमी जो कि 11 से 40 ओवर में, अगर आप मोहम्मद शमी को इंडिया की तरफ से बॉलिंग देखें, 30 ओवर उसने फेंके हैं, 11.8 की उसकी एवरेज है, और सबसे कामयाब टीम इंडिया का बॉलर है मोहम्मद शमी 11 से 40 ओवर के फेज में, यानी मिडल ओवर में। इंडिया और पाकिस्तान के पॉइंट सेम थे, पाकिस्तान के भी पद 115 थे, इंडिया के भी इतने थे। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के इंडिया वाइट टीम बन चुकी है, जो तीनों फॉर्मेट में नंबर वन के ऊपर है। पाकिस्तान का घंटा भी बजा दिया इंडिया ने आज। ओ मेरे घंटे, तेरा घंटा सुमन गिल ने बजा दिया, तेरा घंटा इंडियन टीम ने बजा दिया। तो भारत लगातार एक के बाद एक अपने कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है और सफलता की ओर बढ़ता जा रहा है। अभी एशिया कप 2023 जो है भारत ने जीता है, और उसमें श्रीलंका को 50 रन के ऊपर ही हराया था, तो एक बहुत बड़ी एक हिस्टोरिकल हार थी श्रीलंका के लिए। और उससे पहले पाकिस्तान को 228 रनों से हराया, जो कि पहली बार हुआ इतिहास में। और अब ये जो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो इंडिया की टीम है वो ODI में भी रैंकिंग में नंबर वन आ गई है, और तीनों फॉर्मेट में भारत की टीम जो नंबर वन हो गई है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है, कांग्रेचुलेशन है इंडिया की टीम को। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कैसा लगा मेरा मजाक?